अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं शहर से काफ़ी दूर बेदियाँ पे आया हूँ, ठीक है, तकरीबन इंडिया का बॉर्डर पास ही है। तो यहाँ पे फार्म हाउस काफ़ी हैं और बड़े ज़बरदस्त बड़े बड़े फार्म हाउस बने हुए। सोचा आपको आज फार्म हाउस दिखाते हैं अंदर से कैसे होते हैं। तो जो सारा माहौल है ना आपको फार्म हाउस का, वो भी दिखाते हैं। अभी मैं इंडिया के बॉर्डर के तकरीबन पास ही हूँ, तो ये सारा विलेज एरिया है, ठीक है। और इस साइड पे ज़्यादातर पे लोग जो है ना फार्म हाउस बनाए हुए हैं। कुछ गांव है यहाँ पे और जिन्होंने शहर वालों ने यहाँ पे फार्म हाउस बनाए हुए हैं, वीकेंड यहाँ पे आके वो मनाते हैं। तो जैसे आप कोई फंक्शन कह सकते हैं, पार्टियाँ कह सकती हैं, तो ये जो है ना अपने वो फार्म हाउस पे जो है ना इनको बना सेलिब्रेट करते हैं। तो आज मैं आपको जो है ना दिखाऊँगा अंदर का माहौल फार्म हाउस वगैरह। तो आपने मेरे साथ रहना है। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो अभी चलते हैं, आपको अंदर का माहौल दिखाते हैं, फार्म हाउस दिखाते हैं। अभी मैं बाहर था तो बाहर का भी आपको सीन दिखाते हैं। देख ये देखिए, सारा जो है ना विलेज वाली वाइब्स यहाँ पे फील हो रही है, ठीक है। तो वैसे बेसिकली है भी विलेज यहाँ पे। वो सामने कमाद की जो है ना, कमाद की फसल है यहाँ पे, सरसों की है, ठीक है। तो ये गाय भैंसों के घास के लिए जो इन्होंने ये फसलें लगाई हुई हैं, ठीक है। और ये देखिए, मैं आपको मोर्चा भी दिखाता हूँ। ये जी मोर्चा, ठीक है, जो जैसे कि बता आपको बॉर्डर एरिया में मोर्चे जो लाजमी होते हैं। तो अंदर मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि पता नहीं कब से बंद है, क्या हो क्या ना हो अंदर हो। तो खैर, अभी आपको ये मोर्चा तो दिखा दिया है, मैं आपको फार्म हाउस दिखाता हूँ, ठीक है। ये जी फार्म हाउस का बड़ा गेट है। तो अभी अंदर जाके अंदर का भी माहौल दिखाता हूँ आपको। मैं तकरीबन पहुँच ही गया हूँ। गेट के एंटर होते ही ये साथ में ये एक सिक्योरिटी रूम बना हुआ है जहाँ पे गार्ड वगैरह बैठते हैं। ये एंट्रेंस है और ये उसकी बिल्डिंग है। इसमें ओपन होते हैं, खुले कमरे होते हैं, ठीक है, और खुला माहौल होता है। ये अंदर बाग हैं अमरूद के और किन्नों के, ठीक है, मौसमी के यहाँ पे पौधे लगे हुए हैं। ये देखें, ये फार्म हाउस है। आगे भी जाके आपको दिखाता हूँ। अभी फल लगे हुए हैं अमरूद यहाँ पे। ये देखें, ये अमरूदों के पौधे देखें, अमरूद यहाँ पे लगे हुए हैं। ये देखें, फूल पक चुके हैं। ये काफ़ी पौधे यहाँ पे और सोलर लगे हुए हैं। ये जी फार्म हाउस का अंदरूनी मनाजर है। ये ट्रैक है वॉक के लिए। ये देखिए, ये यहाँ से लेके वो उस कोने तक जाता है, तो वहाँ से फिर ये ऐसे जाता है।
काफ़ी बड़ा ट्रैक है, तो एक राउंड लगाने में तकरीबन आप कह सकते हैं कि 5 से 6 मिनट लगते हैं। और यहाँ पे सीटिंग करते हैं नाइट में, कह सकते हैं आप डे में एंजॉय करने के लिए धूप। और एक वो सीटिंग एरिया बना हुआ है, और ये बिल्डिंग है, अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है इसकी, तो चूँकि लॉक है नहीं तो आपको अंदर से भी माहौल इसका दिखाते। बहुत ज़बरदस्त फार्म हाउस बना हुआ है ये, तो हर किस्म की फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं, लाइट्स, गैस, ठीक है, तो इस तरह की, तो बड़ा एक एंजॉय वाला माहौल बन जाता है। वीकेंड में लोग यहाँ पे ख़ास तौर पे आते हैं एंजॉय करने के लिए। तो सामने सनसेट हो रहा है, तो बड़ा अच्छा व्यू आ रहा है। और वहाँ पे कोने में पेट्स रखे हुए हैं, लाइक डॉग कह सकते हैं, डॉग्स यहाँ पे हैं, और रात को इसको खोल देते हैं सेफ्टी के लिए, क्योंकि खुला इलाका है तो कुछ भी एक्सपेक्ट हो सकता है। ये मेन एंट्रेंस है, बहुत ही खूबसूरत है। ये अंदर लॉबी है, आप कह सकते हैं ह्यूज है, काफ़ी बड़ी सिटिंग एरिया है ये अंदर, ठीक है, मेन इनकी।